नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। अन्नपूर्णा पुलिस ने कार में अवैध रूप से ले जाए जा रही लाखों रुपए मूल्य की विदेशी शराब पकड़ी है। आरोपी मौके से फरार हो गए, जिनकी तलाश जारी है। अन्नपूर्णा पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक कार से अवैध रूप से शराब ले जाई जा रही है। सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी कर कार को पकड़ा तो आरोपी मौके से भाग निकले। पुलिस को कार से 22 पेटी बियर और 11 पेटी विदेशी शराब मिली है। जब्त शराब की कीमत करीब 2 लाख रुपए बताई जा रही है। वहीं अब पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। अन्नपूर्णा पुलिस को एक मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ व्यक्ति एसयूवी सफेद रंग की है, उसमें अवैध शराब का परिवहन करके ले जाने वाले हैं। मुखबिर सूचना पर कार्रवाई करते हुए गाड़ी का सर्च किया गया और एसयूवी गाड़ी का चालक और उसके एक अन्य साथी गाड़ी को तेजी से भागा के ले गए और एक्सीडेंट करके गाड़ी वहीं पर छोड़ कर मौके पर फरार हो गए। उनका पीछा किया गया लेकिन वो दोनों आरोपी भागने में सफल रहे। बाद में एक्सयूवी गाड़ी को चेक किया गया तो उसमें करीब 22 पेटी के आसपास बोल्ट बियर और 11 पेटी के आसपास अन्य भिन्न भिन्न प्रकार की शराब है, जिसमें एमडी रम, एमडी पिस्की और लंदन प्राइड अन्य शराब है। करीब 1.5 लाख रुपये कीमत की शराब है और 5 लाख रुपये कीमत की एक्सयूवी गाड़ी है। सर, गाड़ी किसकी पिछड़ा में है, अभी जांच की जा रही है अभी इसकी। गाड़ी में कितने लोग थे? गाड़ी में 2 लोग थे, दोनों मौके से फरार हो गए। सर, एक्सीडेंट कितने? एक्सीडेंट खंभे पे ठोकी गाड़ी, गाड़ी में निशान भी है उसके। खंभे गाड़ी इंदौर की एक बात थी, अभी जांच में है, जांच में की जा रही है। रूट पे जा रही थी किधर से? ये राजेंद्र नगर से चढ़ा पूरी तरह जा रही थी और मूवी सूचना के आधार पर अपने कार्रवाई करी। सर, इसमें शराब क्या लगता है कहाँ से तस्करी की? अभी विवेचना में है, अभी बीच में जांच की जा रही है। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव। प्ले स्टोर से डाउनलोड करें टाइम स्मार्ट टीवी ऐप।